नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर जसमीत आलूवालिया, बेरियाट्रिक रोबोटिक और लेज़र सर्जन। इस वीडियो में हम बात करेंगे एक डिफरेंट टाइप ऑफ पाइल्स, जिसे हम एक्सटर्नल पाइल के बारे में जानते हैं। बहुत सारे लोगों के सवाल हैं कि पाइल्स जो हैं वो इंटरनल और एक्सटर्नल हो सकती है, और वो इस चीज़ में कन्फ्यूज़ करते हैं कि एक्सटर्नल पाइल क्या है और इसका इलाज क्या है। सबसे पहले तो एक्सटर्नल पाइल सिर्फ एक्सटर्नल हो सकती है, यानी कि जो लैटिन का रास्ता है उसके जस्ट बाहर एक फुलावट हो गई है, जिसमें से या तो पेन हो रही है या ब्लीडिंग हो सकती है, या फिर ये इंटरनो एक्सटर्नल हो सकती है, यानी कि ये अंदर स्टार्ट हुई और धीरे धीरे पाइल्स बढ़ती हुई बाहर को आ गई। पहले हम बात करेंगे थ्रोम्बोस्ड एक्सटर्नल पाइल की। इसका मतलब है कि पेशेंट को बहुत अचानक से ही एक पेन होती है लैट्रिन के रास्ते में, और वो फील करते हैं कि एक स्वेलिंग हो गई है जस्ट आउटसाइड एनल कैनाल। सो एनल कैनाल के जस्ट बाहर एक स्वेलिंग ऑल ऑफ अ सडन फील होती है, जो काफ़ी ज़्यादा पेनफुल होती है, जो पेशेंट ने पहले कभी नहीं देखी। और ऐसी कंडीशन यूजुअली एक्सटर्नल या थ्रोम्बोस्ड एक्सटर्नल पाइल के नाम से जानी जाती है, यानी कि ये एक खून की नस है जिसमें खून जम गया है। थ्रोम्बोस्ड यानी खून का जमना। सो खून की नस जो लैट्रिन के रास्ते के बाहर है उसमें जब खून जम जाता है तब ऐसी कंडीशन आती है, अचानक से स्वेलिंग और पेन होना। थ्रोम्बोस्ड एक्सटर्नल पाइल अगर आप डॉक्टर के पास जाएंगे और आपको डायग्नोसिस बनता है तो ज़्यादातर केसेस में ये अपने आप ठीक हो जाती है। अगर आपको ये फर्स्ट टाइम हुआ है तो हफ्ते से दो हफ्ते के बीच में यूजुअली ये कम होकर पूरी की पूरी ठीक हो सकती है, और बहुत सारे केसेस में ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं होती। सिर्फ सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देना होता है, जैसे पेन हो रहा है तो पेन के लिए मेडिकेशन, लैक्सेटिव देते हैं ताकि हार्ड स्टूल ना हो, सॉफ्ट स्टूल रहे और आपको पेन कम हो, और धीरे धीरे ये ठीक हो जाती है। इसके अलावा सिट्स बात कर सकते हैं, यानी कुछ कोसे पानी में बैठ सकते हैं 10 मिनट दिन में 3 टाइम, ताकि इसकी पेन कम हो, स्वेलिंग कम हो और ये जल्दी ठीक हो जाए। लेकिन अगर ये ठीक नहीं होती 2 से 3 हफ्ते के बाद भी, या ये दोबारा हो रहा है, तब उस कंडीशन में आपको सर्जरी करवानी पड़ सकती है। इसका इलाज लेज़र से भी हो सकता है और बहुत जल्दी ही ये लेज़र से ठीक हो जाता है। इसके अलावा जो दूसरा एक्सटर्नल पाइल्स है वो इंटरनो एक्सटर्नल हो सकता है, यानी कि उसकी जड़ अंदर है लेकिन वो बढ़ते बढ़ते बाहर आ गई है। इनमें यूजुअली इतना ज़्यादा पेन नहीं होता अगर ये थ्रोम्बोज नहीं है, यानी इनमें अगर खून नहीं जमा हुआ है। ज़्यादातर कंप्लेंट एक स्वेलिंग की या कुछ डिस्कम्फर्ट की या ब्लीडिंग की हो सकती है। तो आप डॉक्टर के पास जाइए, अगर वो बोलते हैं कि इंटरनो एक्सटर्नल पाइल है तो इसमें ज़्यादातर केसेस में सर्जरी एडवाइस की जाती है, और ये भी लेज़र के द्वारा ठीक की जा सकती है। लेज़र में इसमें कट ना बराबर होगा, एक पिन होल से ही हम लोग इसे अंदर ही अंदर बंद कर देंगे और कोई चीरा नहीं आएगा, और साथ में आपकी रिकवरी बहुत फास्ट रहेगी। कोई चीरा ना होने की वजह से इसमें लॉन्ग टर्म पेन नहीं रहता, पेशेंट 1-2 दिन में अपना काम कर सकता है और दोबारा पट्टी करवाने की भी ज़रूरत नहीं रहती। इस कंडीशन में भी लेज़र बहुत कामयाब है। सो अगर आपको ऐसी कंडीशन है तो आप किसी लेज़र सर्जन के पास जाइए और इसको इमीडिएटली ठीक करवाइए। अगर इंटरनो एक्सटर्नल पाइल है, इसका मतलब है कि कंडीशन काफ़ी एडवांस्ड है, और जितना जल्दी इसका हम इलाज करवा लें उतना अच्छा रहेगा, क्योंकि जितना इसका साइज बढ़ता रहेगा उतनी ज़्यादा ब्लीडिंग होने का चांस होगा, और उतना ही ज़्यादा ऑपरेशन आपका कठिन होता जाएगा और पाइल्स दोबारा होने का रिस्क भी बढ़ता जाएगा। सो अगर आप ऐसी कंडीशन में हैं तो इमीडिएटली सर्जरी करवाइए। सो आई होप ये वीडियो देखकर आपको एक्सटर्नल पाइल के बारे में समझ आया होगा, और अगर आप इससे पीड़ित हैं तो जल्द ही डॉक्टर के पास जाइए और इससे निजात पाइए। थैंक यू।